Hi, this is Nijas Karg and you are watching class 10th chapter 3 pair of linear equation into variables exercise 3.3 question number 3. 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? जब कभी भी ages वाले question होते हैं तो जो हम लैटिंग करते हैं वो हमेशा present age की करते हैं. Present age पूछी भी हमेशा प्रेजेंट एज जाती है पर कई बार कुछ और भी पूछी जा सकती है लेकिन लैटिंग हमेशा प्रेजेंट एज की करते हैं राइट. सो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू एक्स ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू वाई ईयर्स. क्वेश्चन में देखते हैं 5 years हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन. 5 साल के बाद भाई अभी x है 5 साल के बाद तुम्हारी एज कितनी हो जाएगी. अगर तुम्हारी एज इस समय 15 years है तो 5 years के बाद तुम्हारी एज कितनी हो जाएगी 15 + 5 20. तो वही हमने यहाँ पर करना है कि आफ्टर 5 years जैकब की एज होगी वो कितनी हो जाएगी x + 5 और उसके बेटे की कितनी हो जाएगी y + 5. ठीक है और वो कहता है कि मैं अपने बेटे का 3 times हो गया तो इज इक्वल टू करके और हमने 3 किस में मल्टीप्लाई करना है नेचुरली बेटे की में और इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे इक्वेशन को. तो ये आ गया हमारा x + 5 इज इक्वल टू 3y + 15 और x इज इक्वल टू आ गया 3y + 10. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई. इसके बाद कहता है 5 years ago 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन. अब 5 साल पहले भाई अभी अगर तुम्हारी एज 15 years है तो 5 साल पहले तुम्हारी कितनी थी 10 years ना. तुमने क्या करा 15 में से 5 माइनस कर दिया तो सेम हम यहाँ पर करेंगे प्रेजेंट एज में से 5 years माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा x - 5 और बेटे की हो जाएगी y - 5 राइट. और वो कहता है कि उसकी एज 7 times थी. ठीक है तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7. हमने इसको सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा x - 5 इज इक्वल टू 7y - 35. ठीक है और x इज इक्वल टू 7y - 30. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई. ठीक है अब फर्स्ट इक्वेशन से इस x की वैल्यू को यहाँ पे डाल सकते हैं. ठीक है तो ये आ जाएगा 3y + 10 दैट इज इक्वल टू 7y - 30 राइट. इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3y यहाँ लिख लेते हैं एक बार दैट इज इक्वल टू 7y - 30. इस 7y को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 3y - 7y दैट इज इक्वल टू -30 और -10 साइन चेंज हो जाते हैं. देन -4y इज इक्वल टू -40 ये कैंसिल हो गया और y इज इक्वल टू आ गया 10. ठीक है सो y की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1 में पुटिंग इन 1 राइट. सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 × 10 + 10. सो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 40. देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू 40 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू आ गया हमारे आंसर. होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. अगर आपको और वीडियोस देखनी है दूसरे चैप्टर्स की देखनी है एमसीक्यूज देखने हैं मैथ्स के साइंस के सोशल साइंस के तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. ऑल द बेस्ट.